बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा सारा मियाँ साहब के ऊपर है। इनका पार्सल आया था, वो इतने एक्साइटेड थे कि मेरे पार्सल को जो है ना अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करो। तो चलिए जी, वीडियो जो है ना बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जी अब मैं आपको दिखाऊंगी। मंसूर साहब ने अपनी खुद आज शॉपिंग की थी ईलू से, जैसे कि मैं मंगवाती रहती हूँ, उन्होंने भी। चलिए जी, आज आप लोग से मेरी आवाज़ ही सुनेंगे, मैं खुद सामने नहीं आऊँगी। बाकी सारा जो ना पार्सल ओपनिंग जो ना वो मंसूर साहब खुद करेंगे, और आप लोगों को दिखाती जाती हूँ मैं करीब करीब करके। तो फर्स्ट हमारा जो ना प्रोडक्ट जो है वो कैप थी, विंटर कैप मंसूर ने ऑर्डर की है। इससे पहले कभी मंसूर ने कैप नहीं पहनी, लेकिन जो ईलो पे सेल चल रही थी ना, तो मंसूर साहब से रहा नहीं गया, उन्होंने जो ना अपनी कैप जो ना ऑर्डर कर दी। तो बहुत ही मज़ेदार इसका स्टफ़ था, सॉफ्ट सा, बिल्कुल फ्लीस टाइप का, और देखने में कुछ इस तरीके से थी। अब चले जब वो पहनेंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पहन के किस तरीके से दिखती है, ठीक है? तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, और प्राइसेस जो ना मैं एंड पे आप लोगों को बताऊंगी सारी कि क्या क्या इनकी प्राइस है। तो चले जी, यहाँ से आप लोगों को मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि फ़र्स्ट प्रोडक्ट हमारी ये है। तो चलिए जी, इसके साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये है, हमारा नहीं, मंसूर साहब ने ऑर्डर किया था, वो ये ब्लैक कलर का फ्लीस की जो जैकेट है ना, जैकेट टाइप ही है ये। तो ये मंसूर ने ऑर्डर की थी विंटर्स के लिए, दी बेस्ट है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आपको इतनी रेंज के अंदर जो ना इतनी अच्छी क्वालिटी जो ना वो मिल सकती है। तो जब ये हमने ओपन की, तो अच्छा, एक सिर्फ इसमें ये नुकसान हुआ कि जो मंसूर ने लार्ज ऑर्डर किया ना, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज के बराबर था। हमने मेजरमेंट नहीं की, क्योंकि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया, मंसूर ने खुद ही ऑर्डर किया था, तो इसलिए उन्होंने भी मेजरमेंट का ख्याल नहीं रखा। तो जो भी मंगाने वाले हैं ना, वो लार्ज वाले, जो लार्ज पहनने वाले हैं, वो मीडियम को ऑर्डर करें, क्योंकि इनका मीडियम जो लार्ज के इक्वल है, ठीक है? वैसे आपको मैं क्लोज़ करके दिखाती हूँ। फाइन इसकी क्वालिटी की जिप है, टू पॉकेट्स हैं, उन पे भी जिप लगी हुई है। और मज़े की बात यह कि मंसूर को मैंने साफ कह दिया कि ये मैं पहनूंगी, बल्कि हम दोनों मिलजुल के पहनेंगे, क्योंकि विंटर्स में आप नीचे काफ़ी कुछ जो ना वो कोट कर लेते हो, उसकी वजह से जो ना आपको खुली खुली चीज़ें भी जो है ना वो फिट हो जाती हैं। तो डार्क ब्लैक कलर है ये, लेकिन फ़िल्टर में शायद ये ब्लू आ रहा है कैमरे में, लेकिन ये ब्लैक कलर के अंदर ही है, ठीक है? बहुत मज़े का ये भी। हाँ, लेकिन मंसूर बुरी नहीं लग रही, वो हमारी बात भी सही है कि जब सारा कुछ पहनोगे ना। मूविंग ऑन थर्ड प्रोडक्ट, तो ये मंसूर ने सॉक्स ऑर्डर की थी। मंसूर को जितनी मर्जी सॉक्स है तो वो थोड़ी होती हैं, माशाल्लाह इतनी सॉक्स हैं, लेकिन फिर भी जब भी सॉक्स देखते हैं ना, तो उनसे रहा नहीं जाता। तो ये भी टू पेयर सॉक्स है, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी था, मटेरियल बहुत अच्छा था। मुझे प्राइस का कुछ याद नहीं, लेकिन एंड पे मैं आप लोगों को जो है ना प्राइस की बता दूंगी, जो पेज के ऊपर मेंशन होती है, ठीक है? तो ये दिखने में कुछ इस तरीके से, इनको हमने खोला नहीं था, लेकिन अच्छी क्वालिटी की थी। तो ये हो गई हमारी थर्ड। तो ये हमारा जी थर्ड या नहीं फोर्थ प्रोडक्ट है, ये मंसूर साहब ने जो ना कॉम ऑर्डर की है, वाइड ब्रिसल्स वाली, ठीक है? पता नहीं क्यों ऑर्डर किया, लेकिन मैं प्लास्टिक की जो ना चीज़ें यूज़ करने के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। खैर, इन्होंने अपने बालों के लिए की थी, तो इस वजह से। बाहर है कोई? कोई मसला नहीं, कोई नहीं है। तो ये रहा जी इनका प्राइस चार्ट, आप लोग जो ना मैं क्लोज करके दिखाती हूँ, आप लोग आराम से प्राइस खुद पढ़ लें, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि क्या क्या था, तो इसलिए मैंने बनाई थी वीडियो, लेकिन आप लोग यहाँ से खुद देख लीजिए, ठीक है? तो हमारा लास्ट प्रोडक्ट था ये आई मास्क। तो ये मंसूर ने पता नहीं क्यों मंगवा लिया, चाहिए तो उनको वेलवेट का था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वेलवेट का ही है, लेकिन जब हमने खोला तो ये फ्लीस का था और कपड़े के ऊपर था, ठीक है? ऊपर कपड़ा था, नीचे फ्लीस लगी हुई थी। खैर, नॉट बैड क्वालिटी, लेकिन गुजारे काबिल था। आई होप कि आपको मेरे बाबा का पार्सल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर करना। बाय बाय।